सलील चौधरी का जिक्र चला है तो वो पार्श्व गान में पार्श्व संगीत में बहुत माहिर थे. पार्श्व संगीत उतना ही मायने रखता है जितना सुर और बोल. तो सलील दा के अलावा कौन कौन से संगीतकार हिंदुस्तानी फिल्मी फिल्मों में पार्श्व संगीत के मामले में माहिर रहे आपके हिसाब से? ये बहुत तांत्रिक प्रश्न है, टेक्निकल क्वेश्चन ही है. वसंत देसाई जी का बहुत नाम था कि वो पार्श्व संगीत बहुत अच्छा देते हैं, मगर वो बहुत टेक्निकल करते थे, पूरा टाइमिंग लेते थे, एक एक सीन का टाइमिंग लेके उसके ऊपर अलग अलग स्ट्रोक लगाते थे. तो लोगों को उस समय लोगों को बहुत अच्छा लगता था वो, आज वो थोड़ा सा टेक्निकल लगता है, कृत्रिम लगता है. और सलील चौधरी से वो पार्श्व संगीतकार बहुत अच्छे थे उसमें कोई शक नहीं, मगर उनके भी इसमें श्रम मतलब कोशिश प्रयत्न दिखता है. इसलिए कि वो सीन देखते थे, सोचते थे काफ़ी देर तक, फिर इसको कंपोज करते थे, फिर बनाते थे, फिर लगाते थे. मगर इन सब में मैंने एक ही आदमी को देखा ऐसा, और वो है जयकिशन, शंकर जयकिशन में से. कि जयकिशन जी खड़े रहते, मैंने देखा एक दफ़े नहीं, 200 दफ़े देखा, क्योंकि मेरे को बड़ा मज़ा आता था. वैसे देखते थे कि ये प्रसंग हो रहा है, 2 सेकंड पे हीरोइन चली, 4th सेकंड में उसने हीरो का हाथ पकड़ा, 5वें सेकंड में वो दोनों भागने लगे, 8वें सेकंड में विलन की एंट्री हो गई. ये सब जो चेंजेस है वो एक दफ़े देखते थे, एक दफ़े टाइमिंग लेते थे और असिस्टेंट को बोलते थे, सब असिस्टेंट को कि लिखो. वो लिखता था और वो पीस वहाँ पे सही लगता था. ये सब कितने प्रक्रिया कितनी छोटी थी, ये 20 मिनट की. इसलिए हम लोग उस जमाने के संगीतकार पूरे दिन भी 15 के ऊपर पीस नहीं कंपोज कर सकते थे और ना लगा सकते थे पिक्चर के साथ. ये ऐसे एक शख्स थे जिसको प्रतिभावान कहते हैं, कि वो 60, 65, 55 ये सबसे उनका कम क्रमांक है. 60 पीसेस तो ऐसे ही कर जाते थे. तो ऐसा पार्श्व संगीतकार करने वाला मैंने तो कोई देखा नहीं, और इतना मैंने प्रतिभावान संगीतकार भी कोई देखा नहीं. कभी ना हर संगीतकार कोई ना कोई श्रम करता है, कोई रागदारी के पीछे पड़ता है, कोई कुछ ना कुछ करता रहता है, मगर ये एक आदमी ऐसे थे कि इनका रोज रिकॉर्डिंग रहता था, रोज ध्वनि मुद्रण रहता था. और उनकी उम्र बहुत कम थी, वो गए तो उनकी उम्र सिर्फ 42 साल की थी. इतने छोटी उम्र में उन्होंने 800-900 पिक्चर की, और हर पिक्चर का गाना लोकप्रिय तो है, मगर वो उनके रिकॉर्डिंग में रोज रिकॉर्डिंग होता था. कभी भी वो प्रोड्यूसर को अपनी ट्यून्स नहीं सुनाते थे, कुछ नहीं. वो 10:30 बजे आते थे, 12:30-1 बजे गाना रिकॉर्ड करके चले जाते थे. कब धुन बजाते थे, कब वो रिहर्सल करते थे, कब उसका म्यूज़िक कंपोज करते थे, वो सिर्फ उनको और ईश्वर को मालूम. बड़े प्रतिभावान थे वो, और साथ में गुजराती भी थे. अब सबकी ओर से हम आपका एक बार और अभिवादन करेंगे.